हेलो दोस्तों दोस्तों, ये अपनी वीडियो नंबर 4 है। इसके अंदर हम देखेंगे एक जो पेज HTML पेज होता है उसको डिज़ाइन कैसे करते हैं, मतलब पेज का लेआउट। देखो, हम पेज को डिज़ाइन करने को कैसे भी कर सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर लेआउट होता है, जैसे हेडर टैग है, फुटर टैग है, मेन टैग है, ये सब चीज़ें, सेक्शन, SID, ये सारे हेल्प करते हैं आपके SEO में। जब आप यूज़र फ्रेंडली एक वेबसाइट को बनाते हो तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं सब चीज़ें। तो हम वही देखेंगे कि कैसे हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बना लेते हैं एक फाइल, ठीक है, video4.html। अगर आपको जितना भी सोर्स कोड है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, video4। तो सबसे पहले अपने एक वेबसाइट है, ठीक है, ये अपना बेसिक, अभी तक इसमें ओनली फॉर बेसिक बेसिक हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं। आप देखो, सबसे पहले एक वेबसाइट के अंदर तीन मेन सेक्शन होते हैं, ठीक है। पहला होता है हेडर, ठीक है, पहला मेन सेक्शन होता है हेडर का। सेकंड होता है, हेडर के बाद आता है अपना मेन, मेन के बाद आता है, थर्ड आता है फुटर। ये अपने ऐसे मान लो मेन सेक्शन है वेबसाइट की, ठीक है। अब देखो, हेडर, हेडर के अंदर क्या आएगा, जो आपका वेबसाइट का जैसे नेवबार है या लोगो है, सब सारे हेडर में आएंगे, जो कि पर्टिकुलर सब पेज का मोस्टली सेम रहता है, ठीक है। हेडर और फुटर दोनों वेबसाइट का सेम रहेगा। बाकी जो मेन है, मेन आएगा कंटेंट, जिसके अंदर आपके कंटेंट होते हैं, जैसे होम पेज का अलग कंटेंट होगा, अबाउट अस का अलग कंटेंट होगा, और जैसे कि कॉन्टैक्ट का अलग कंटेंट होगा, सर्विसेज का अलग कंटेंट होगा, तो कंटेंट आएगा मेन के अंदर, ठीक है। तो हमने इसको डिफाइन कर रखा है इस टाइप से HTML के अंदर, ताकि अगर वो आपका जो SEO है वो काफ़ी इजी रहे, और जो आपके सर्च इंजन है उसको पता रहेगी इस वेबसाइट के अंदर क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे स्ट्रक्चर है। अगर इसको हम करने को वैसे भी कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये ही टैग यूज़ करने हैं, बट एक जो SEO फ्रेंडली हम बनाते हैं जब काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हेडर की, ठीक है। तो हेडर के अंदर अपना डिज़ाइन कर लेते हैं हेडर को। बेसिकली सबसे पहले हेडर, हेडर टैग है, हेडर के अंदर हम डाल देते हैं UL, UL के अंदर LI, LI के अंदर 4 LI डाल देते हैं। बाकी अगर आपको नहीं पता तो ये मैं MEWSN यूज़ करके कर रहा हूँ। सबसे पहले होम आ गया, कॉन्टेक्ट आ गया, अबाउट अस आ गया, सर्विसेज आ गया, ठीक है। ये अपना आ गया हेडर का आ गया। अभी इसको थोड़ा लाइव कर लेते हैं, किस टाइप का अपने वेब पेज दिख रहा है। अभी काफ़ी भद्दा दिखेगा, देखो ये अपना बेसिक है, ठीक है। अभी देखो, अभी अपने ओनली फॉर HTML सीख रहे हैं। HTML बेसिकली, मैंने वीडियो चालू होने से पहले ही आपको बताया था। बाय द वे, अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया ना, तो ये वीडियो यहाँ से देखना चालू करो। इस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि एक वेबसाइट है कैसे वर्क करती है, जो HTML वो आपकी ओनली फॉर स्ट्रक्चर देने के काम आती है पूरी अपनी वेबसाइट को। बाकी अगर डिजाइनिंग का पार्ट हम CSS से करेंगे, वो हम जल्द आगे करेंगे, क्योंकि HTML में इतना ज़्यादा नहीं होता है। मैंने एक वेबसाइट के अंदर CSS और JavaScript काफ़ी इंपॉर्टेंट है, HTML ऐसे मान लो आप बहुत कम यूज़ करते हैं, बस ढांचा बनाने के काम रहते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया हेडर, हेडर के अंदर सारी चीज़ें आ गई। इसके अंदर आ गया ए टैग, और डाल देते हैं, जैसे कि हम इनके इसके अंदर ए टैग डाल देते हैं, HRF डाल देते हैं, जैसे मैं अभी तो होम के अंदर होम, ठीक है। अब मैं कॉन्टेक्ट के अंदर डाल देता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा इजी करने के लिए इसको कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, कॉपी करके MEWSN यूज़ कर लेता हूँ। इसकी मल्टी कर्सर प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। एंड में जाते हैं, एंड में जाके इसको कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। अब देखो, ये अपना हो गया रेडी। यहाँ पे देखो लिंक्स, ये सारे लिंक्स बन गए, ये अभी होम पेज का लिंक्स है, ठीक है। ये होम पेज पे आ गया, video4 ओपन किया तो वीडियो नंबर होम पेज का आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर डिजाइनिंग आगे देखें कैसे करते हैं। अभी ओनली फॉर इतना समझ लो, ये हेडर अपना रेडी हो गया एक टाइप से, ठीक है। मेन के अंदर, मेन के अंदर देखो तीन चीज़ें आती हैं। एक तो आ गया मेन सेक्शन आ गया, ठीक है। उसके बाद मेन सेक्शन के बाद आता है एसाइड, एसाइड जो आपके साइड में आता है, कुछ वेबसाइट्स में आपने देखा होगा, जैसे कि अभी यूट्यूब का ही एक एग्जांपल लेते हैं, तो ये आ गया एसाइड, मान लो इसको ये एसाइड है, ये आपका यहाँ पे कंटेंट चेंज होता रहेगा, ठीक है, ये होता है एसाइड। एसाइड के बाद और कोई सेक्शन डालना चाहो तो वो सेक्शन आ जाता है, ठीक है। फिर आता है फुटर, तो मेन सेक्शन के अंदर भी थोड़ा सा कंटेंट डाल लेते हैं। देखो, एक तो मेन सेक्शन के अंदर कंटेंट डाल देते हैं, इमेज डाल देते हैं, ठीक है। इमेज मैंने आपको बात बताया था कैसे इमेज डालते हैं,
तो एक मैं इमेज कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे एक इमेज है ये रही, इसी इमेज का लिंक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, यही इमेज का लिंक मैंने कॉपी कर लिया है, इसी इमेज के लिंक को मैं यहाँ डाल देता हूँ। देखो अगर अगर अभी तक आपने इसको नहीं पता है कि इमेज कैसे आ रही है क्या, तो देखो अभी आप बीच से देखिए, ठीक है। और देखो दोस्तों आपको सिंपल बताऊँ, वेब डेवलपमेंट इतना हार्ड नहीं है, बट इसके में प्रैक्टिस है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अच्छा होगा, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने ये डाल दिया, ये आ गया मेन सेक्शन, तो क्या मेन सेक्शन से पहले मैं यहाँ पे एक एचआर थोड़ा ये देता हूँ, एक लाइन, तो क्या थोड़ा अच्छा लगेगा, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है, पहले से बेटर लग रहा है, इतनी अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। फिर आता है एक फुटर डिज़ाइन कर लेते हैं, तो फुटर डिज़ाइन करने के लिए अभी हमें इसको सीधा ही डाल दिया यहाँ पे, आप मैन बना के डाल सकते हो मैन, ठीक है मैन। अब मैन के अंदर इन सबको डाल दो, इसको और इसको, ठीक है मैन के अंदर इसको इन दोनों को डाल दो, ठीक है। देखो अभी फुटर के अंदर डाल दो, फुटर फुटर के अंदर मैं एक पैराग्राफ डालता हूँ, पैराग्राफ डाल के इनके अंदर ऑल राइट्स आर अंडर बाई टेकी एज है, ओके। अभी तो मैं एट द रेट लगाता हूँ, बाकी आप इसका कॉपीराइट का साइन बना सकते हो यहाँ पे। चलिए देखो अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, तो अभी अपना ये फुटर सेक्शन हो गया, ये ऊपर का हेडर सेक्शन हो गया, ये मेन कंटेंट हो गया, ठीक है। तो ये अपनी वेबसाइट का बेसिक ढांचा है, ठीक है। यहाँ पे एस साइड आ जाएगा, इस साइड साइड एस साइड डाल सकते हैं, या फिर और भी कोई अपने पास कुछ और है कैटेगरी से, वो सब इधर डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको इन टैग्स को आप यूज़ करो, ठीक है। देखो हेडर टैग हो गया, मेन हो गया, फुटर हो गया, इनको यूज़ करो, ताकि आपकी वेबसाइट है ना वो एक मतलब एसईओ करने में काफ़ी ईजी रहे, आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी बेहतरीन हो, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स की, ठीक है, आखिर ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखो अभी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, अभी तो मैं आपको ओनली फॉर समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। तो देखो ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं, देखो कि मैंने यहाँ पे अभी कुछ डाला, जैसे डिव है, अभी एग्जाम्पल से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। डिव मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैंने एक H1 डाल दी, ठीक है, इसको डालता हूँ हेलो इज द H1 इन द डिव, ठीक है। तो ये क्या है, इसका अभी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का मतलब भी समझाता हूँ। देखो अभी क्या है, इसको मैंने किया तो सिंपली कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे आ गया, ओके। अब देखो इसको मैं अगर स्टाइल दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसको मैं एक्वा, ओके। अभी देखो, देख रहे हो आप, ये जो पूरा अभी तक अपना कंटेंट था यहाँ तक, ठीक है, बट इसने बैकग्राउंड कलर दिया, तो पूरा क्या है, इसकी साइज कितनी है, यहाँ तक है, पूरी विड्थ 100 VH है, ठीक है, 100 VH है पूरी विड्थ। तो इसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। ब्लॉक लेवल मतलब जो पूरा का पूरा कच्चा है, इसमें कंटेंट इतना हो या छोटा सा, अभी देख लो आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसके अंदर कंटेंट इसको एक बार कमेंट आउट करूँ, कमेंट आउट करके अगर मैं यहाँ पे इसको हटाऊँ, अगर मैं इसके अंदर ओनली फॉर हेलो इतना सा दूँ, तो भी ये पूरा कवर करेगा, देखो। इसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। वही होता है अपना इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, जैसे कि स्पेन, ठीक है, तो स्पेन के अंदर मैं कुछ भी डालता हूँ, तो इसके अंदर H1 डाल देता हूँ मैं, हेलो दिस इज द H1 टैग इनसाइड द स्पेन, ओके। तो स्पेन क्या अपना इनलाइन, इनलाइन तो इनलाइन का मतलब क्या होता है, देखो अभी मैं आपको यहाँ पे स्टाइल लगा के दिखाता हूँ, स्टाइल बैकग्राउंड कलर भी मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, आई थिंक ब्लू वॉयलेट, दैट शुड बी गुड, मेक सेंस, आई थिंक सेट नहीं हुआ, हो गया सेट, क्या ही दिक्कत आ गई है, अच्छा तो दिक्कत आ रही है ये, इसको हम कर देते हैं ऐसे, क्योंकि अभी हमने क्या है कि हमने दिया है इसको स्पेन को, ठीक है। तो क्या स्पेन की विड्थ होगी, अभी देखो, अभी देखते हैं। तो देखो जितना अपना एलिमेंट है उतना ही ये हुआ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम इनलाइन। अगर मैं इसको अगर छोटा कर दूं, जैसे ओनली फोर इतना रख दूं इनसाइड द स्पेन, तो देखो द स्पेन जितना हो गया यार, वही मैं अगर यहाँ पे लोरेम करके अगर ज़्यादा डाल दूं, लोरेम 20, ठीक है, तो देखो ये इतना साइज ले ली। तो ये होता है इनलाइन एलिमेंट।
ये होती है ब्लॉक डिस्प्ले एलिमेंट। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इनलाइन और ब्लॉक डिस्प्ले एलिमेंट समझ में आ गया होगा, और एक जो अपने पेज को डिसाइड करते हैं वो भी समझो कैसे डिसाइड करते हैं। तो देखो चलो अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ। ठीक है, आपको एक वेबसाइट का जो लेआउट डिजाइन करना है, ठीक है, उसमें क्या होगा, ऊपर ही ऊपर ये अपना हेडर होगा, हेडर के अंदर आपको पांच बनाने हैं, होम पेज हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया, अबाउट हो गया, सर्विसेज हो गया, और ये सब हो गया। ठीक है, उनके अंदर आपको रिडायरेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आपको लगाने हैं पांच कोई भी वेबसाइट के लोगो, लोग ऐसे जैसे होम की जगह आप डाल दो फेसबुक, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब के डाल दो, उनके अंदर लिंक भी डालने हैं। फिर आता है अपना मेन सेक्शन, मेन सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे एक इमेज डालनी है, फिर यहाँ पे कुछ कंटेंट डालना है, कुछ भी कंटेंट आपके हिसाब से डाल सकते हो, और फिर यहाँ पे एक फुटर बनाना है। फुटर आपको इसके अंदर, अभी तो मैंने नॉर्मल बेसिक बनाया है, आप इसके अंदर थोड़ा कॉपीराइट का साइन ले लो, अगर कॉपीराइट का आपको साइन देखना है, कॉपीराइट कोड इन HTML, अब जैसे इसको सर्च करोगे तो आपको जो कॉपीराइट का कोड मिल जाएगा, तो कोड कॉपीराइट का कोड कॉपी करो और वहाँ पे पेस्ट कर दो, तो आपको कॉपीराइट का साइन आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, कॉपीराइट का कॉपीराइट कॉपीराइट कॉपीराइट, यार यहाँ पे तो इन्होंने दे ही नहीं रखा। ऑल राइट, तो देखो ये अपने कॉपीराइट का साइन आ गया। ठीक है, मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पे अपने इसमें। ठीक है, मैंने यहाँ कहाँ पे लगाया था, ये देखो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ कोड को। ठीक है, अभी अपने वेबसाइट में देखते हैं किस टाइप की दिख रही है। तो ये देखो ये कॉपीराइट का साइन आ गया। ठीक है, इस हिसाब से अपने आपको एक बेसिक लेआउट बनाना है, और आप नीचे कमेंट करो, उस कोड को कमेंट करो, जो फर्स्ट कोड करेगा उसको मैं हर्ट दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम आगे देखेंगे, इसके बाद में देखेंगे लिस्ट क्या होते हैं, ये ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, एन ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, इन सब के बारे में देखेंगे। अगर आपको, देखो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर आप बिना कुछ, बिना किसी चीज़ के अगर इसको देख रहे हो, ओनली फॉर बैठे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, तो नहीं समझ में, आपको एक बार लगेगा समझ हो रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बट नहीं आएगा, तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत आए तो नीचे कमेंट करो, मेरे को पर्सनल इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करूँ, आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, और भी अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये जो प्लेलिस्ट है इसको आप एक्सेस कर लो याद से, बिकॉज बाद में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।